खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां पर प्रदेश में ठंड की शुरुआत हो गई है। भोपाल में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 24 घंटे में रात का पारा 1.6 डिग्री तक लुढ़क गया है। दिन का तापमान 31.6 डिग्री रहा है। हिल स्टेशन पंचमणि सबसे ठंडा रहा, पारा लुढ़क करके 11.2 डिग्री पर आ गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि अब जो ठंड है वो दस्तक दे रही है। पंचमणि आपको बता दें कि लगातार सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है और यहाँ पर लगातार पारा आप देख रहे हैं कि 10, 11, 12 इसके बीच में बना हुआ है। तो भोपाल से खबर है, जहाँ पर प्रदेश में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी भोपाल की अगर आप बात करें तो रात का तापमान अब भोपाल में भी 15 डिग्री दर्ज किया गया है और ये पिछले 24 घंटे में देखेंगे तो 1.6 डिग्री इसमें और कमी आई है। दिन का तापमान भोपाल में 31.6 डिग्री तक रहा है और हिल स्टेशन पंचमणि प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा है। तो लगातार तापमान में आप देख रहे हैं कि जो गिरावट है वो दर्ज हो रही है। 24 घंटे में पारा 1.6 डिग्री तक अकेले राजधानी भोपाल का लुढ़क गया है और इसी तरह से पूरे प्रदेश में अब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कमोबेश स्थितियां ठंड को लेकर के अब बनती हुई दिख रही हैं। लगभग सभी जगहों पर अब जो रात का तापमान है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और आने वाले अब एक हफ्ते यानी कि आगे के जो 6 से 7 दिन हैं उसमें ये पारा और गिरेगा, यानी कि ठंड अब पूरी तरह से जो दस्तक है वो दे चुकी है। दिन में हालांकि ज़रूर अभी जो तापमान है वो 30-31 तक आप देख रहे हैं कि पहुंच रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें भी जो कमी है वो आनी शुरू होगी, क्योंकि एक साथ एक दिन में ही आप देखें कि लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की जो गिरावट है वो दर्ज हो रही है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड बहुत तेज़ी के साथ जो दस्तक है वो देने वाली है। और शहडोल से कृष्णा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कृष्णा, तापमान में लगातार हम लोग देख रहे हैं गिरावट दर्ज की जा रही है, शहडोल का मौसम क्या है, क्या प्रिडिक्शंस हैं मौसम विभाग के शहडोल को लेकर के, अपडेट करें। देखिए, बता दूं आपको कि नवंबर की शुरुआत होते के साथ ही ठंड ने यहाँ पे दस्तक दे दी है और यहाँ के तापमान की बात करें तो रात का तापमान जो रहता है वो भी 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन सुबह जैसे दिन होता है तापमान 32-36 डिग्री के आसपास बने रहता है, शाम होते ही फिर ठंड बढ़ जाती है। हालांकि लोग अब घरों से शाम को कम ही निकल रहा है क्योंकि ठंड ने दस्तक देगी और लोगों जो निकल भी रहे क्योंकि शरीर में गर्म कपड़े नजर आने लगे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड और तेज पड़ेगी और कहीं ना कहीं लोगों को इससे जूझना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो तापमान अभी जो स्थिति बनी हुई है अभी जो तापमान है 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है, सुबह का समय है और दिन को ये तापमान 33 डिग्री के आसपास हो जाता है जी। लेकिन कृष्णा, क्या रात में तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर शहरों में हम लोग देख रहे हैं कमोबेश यही स्थिति है कि दिन में 30-31 के आसपास टेम्परेचर रहता है और रात होते होते जो तापमान है उसमें 1-1.5 डिग्री की जो कमी है वो हो जाती है। क्या रात में वहां पर अब ठंड का जो एहसास है वो होना शुरू हो गया है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार उनका कहना है कि जैसे दिन रहती है तेज, जितनी धूप पड़ेगी ठंड उतनी तेज पड़ेगी, लेकिन अभी दिन का जो तापमान है 32-33 डिग्री के आसपास रहता है। जैसे ही शाम होने लगती है, शाम ढल लगती है, उसके बाद रात होते होते तापमान 15-14 डिग्री के आसपास रह जाता है, लेकिन सुबह भी इसमें तेज ठंड रहती है जिसका तापमान 14-15 डिग्री रहता है, लेकिन जैसे ही धूप निकल लगती है तापमान बढ़ोतरी हो जाती है और दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक कहने के नवंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड और तेज पड़ेगी और लोगों को इससे जूझना पड़ेगा जी। चलिए कृष्णा, बने रहिए। इस बीच अजय गोहिल भी हमारे साथ रायसेन से जुड़ चुके हैं, मैं अजय का भी रुख कर लेता हूं। अजय, तापमान में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर गिरावट दर्ज की जा रही है, रायसेन में अभी फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे सहयोगी कृष्णा ने बताया वही स्थिति रायसेन की है, बस रायसेन में भी अगर बात करते हैं तापमान की तो रात का तापमान जो है वो लगभग 15 डिग्री के आसपास आ गया है। वहीं अगर दिन के तापमान की बात कर लेते तो दिन का तापमान लगभग 30 डिग्री के ऊपर चल रहा है, तो लगभग दिन में तो लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन शाम होते होते जो ठंड का एहसास होने लगता है तो वो सुबह 7 और 8 बजे के बीच तक ठंड रहती है, ऐसा कह सकते हैं। भाई दूसरी बात कहें, अगर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश भर की बात कर ली जाए तो प्रदेश भर में सबसे ज्यादा जो ठंड का भी एहसास करा रहा है वो पचमढ़ी है, जहाँ का तापमान लगभग 11 डिग्री के आसपास आ गया है। भाई उसके बाद अगर बात करते हैं तो नरसिंहपुर की बात कर लेते हैं, उसमें लगभग 20 डिग्री के आसपास रात का तापमान है। लेकिन अगर रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में एक बात इस बार अलग देखने को मिल रही है कि इस बार मैंने ये देख रहा हूँ कि जो धुंध है वो चाहे सर्दी पड़े या नहीं पड़े एक कोहरे जैसी धुंध सुबह भी देखने को मिल रही है और के विगत शाम होते ही
जैसे ही 5 साढ़े 5 बिल्कुल। लेकिन अजय, उसके बाद मौसम विभाग का प्रिडिक्शन क्या है? क्या ठंड इस बार ज्यादा परेशान करने वाली है लोगों को? क्योंकि अभी से ही जो तापमान हम लोग देख रहे हैं उसमें एक बड़ा वेरिएशन है। रात में देखिए तापमान जितना कम हो रहा है, दिन में भी कमोबेश उसी तरह की जो स्थितियां हैं देखने को मिल रही है। और आप खुद बता रहे हैं कि एक फॉग जैसी जो सिचुएशन है वो लगातार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या ठंड ज्यादा सताएगी इस बार? बिल्कुल, मौसम विभाग स्पष्ट कर रहा है कि इस बार जो ठंड का मौसम है वो लोगों को हाड़ मास कपकपा देने वाली ठंड का एहसास कराएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे ठंड अपना रूप ले रही है, वहीं वहीं हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या भी अब दिन ब दिन देखने को मिली। रायसेन जिला अस्पताल की बात कर ली जाती है तो कल ठंड के कारण 2 लोगों को हार्ट अटैक आया, जिनको कहा जा रहा है कि ये, लेकिन अब लोगों को, डॉक्टरों से भी मेरी कल बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि लोगों को खासकर के बुजुर्गों और बच्चों को इस जो अब ठंड पड़ने वाली है, इस बार जो ठंड है वो बहुत ज्यादा सताएगी, तो बच्चों और बुजुर्गों को बचाकर रखना है बीमारियों से बचाने के लिए। वहीं बुजुर्गों के लिए उन्होंने एक एहतियात बरतने की सलाह दी है कि आप सुबह जब तक कड़क धूप ना निकले, जब तक घर से ना निकले, धूप में बैठे और वहीं शाम होते से ही घर के अंदर अपने घर में चले जाए और रजाई का सहारा लें। लेकिन मैं बात बताना चाहूंगा कि मैं जैसा कि कह रहा था कि जैसे ही 5:30 बजे के 5 बजे के बाद का जो समय होता है वो एक अलग तरीका धुंध छा रही, फॉग छा रहा है, जिससे जनजीवन शाम को अभी से ही मुश्किल होता नजर आ रहा है। तो और वही मौसम विभाग जो कह रहा है कि आगामी दिनों में तेज ठंड का सामना लोगों को बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब आगामी दिनों में अभी और ठंड पड़ेगी और लोग इससे और ज्यादा भी परेशान होंगे आने वाले समय में। कृष्णा का मैं एक बार फिर से रुक कर लेता हूँ, हमारे साथ कृष्णा बने हुए हैं। कृष्णा, वहां पर भी मौसम विभाग का प्रिडिक्शन क्या है? क्या सर्दी अगर हम लोग पिछले सालों से तुलना करें तो क्या इस बार ज्यादा परेशान करने वाली है लोगों को? क्योंकि रात का तापमान तो अभी से हम लोग देख रहे हैं कि ठंड जैसा एहसास करा रहा है। देखिए, जैसे बता रहे हो, पिछले साल जब दिवाली थी तो ठंड बहुत तेज थी, लेकिन इस बार दिवाली में ठंड उतनी नहीं थी। नवंबर के दूसरे सप्ताह से मौसम विभाग का कहना है कि तेज ठंड पड़ेगी, लेकिन बता दूं जैसे हमारे सहयोगी अजय गोयल ने बताया कि धुंध पड़ने लगी है। जी, मैंने बताया कि यहाँ भी सुबह सुबह हल्की धुंध रहती है और सूरज की रोशनी सूरज तो निकलता है फुल स्पीड से, लेकिन उसकी धुंध के कारण रोशनी कम रहती है। लेकिन बता दूं कि आने वाले दिनों में ठंड बहुत तेज होगी और कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग कहना भी कि इसमें बच्चे बूढ़े बचे रहे, जो बीपी और शुगर का मरीज है वो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे और ठंड से बचे रहे, क्योंकि ज्यों ज्यों अगर ठंड से अपन गर्मी से अपन ठंड की तरफ जाते हैं तो बीच के जो मौसम जो अप डाउन होते हैं उसमें काफी बुजुर्ग और बच्चों को परेशानी होगी। चलिए कृष्णा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अजय आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।